हे गाइज व्हाट्स अप, वेलकम बैक। और आज मेरे पास है न्यू ब्लूटूथ वायरलेस नेकबैंड जो कि है पीट्रॉन की तरफ से और इनका नाम है टेंजेंट लाइट। और रिसेंटली ही पीट्रॉन ने ये लॉन्च किए हैं। और इस वायरलेस नेकबैंड की जो सबसे खास बात है, इसका जो प्राइस है वो काफी कम है। ये जो नेकबैंड है ये आपको मिलेंगे 499 रुपीज में। तो इस प्राइस पे यार कोई नेकबैंड आपको मिल रहे हैं ब्लूटूथ, तो मुझे लगता है कि वो काफी यार कमाल की चीज है। और मैंने इस प्राइस रेंज में यार इतने ज्यादा कुछ वैसे ब्लूटूथ नेकबैंड देखे नहीं है, लेकिन जो भी देखे यार वो उनकी जो क्वालिटी रहती है बहुत चीप रहती है और वैसे भी अनब्रांडेड रहते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको इस प्राइस पर एक नेकबैंड मिल रहे हैं पीट्रॉन की तरफ से, वो काफी अच्छी बात है। तो बॉक्स है वो आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर देखने को मिलता है और दिख जाएंगे आपके जो नेकबैंड है वो कैसे हैं। मेरे पास ये रेड कलर में है, इसके अलावा कुछ और कलर्स में अवेलेबल है। तो और पीछे की तरफ इसके कुछ यहाँ पर फीचर्स वगैरह लिखे गए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको वायरलेस नेकबैंड मिलते हैं, उसके बाद इसमें ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट है, तो यानी आपको जो रेंज मिलेगी वो मिलेगी 10 मीटर के करीब। उसके बाद इसमें जो ड्राइवर साइज है वो है 10 mm का, तो ये काफी अच्छी चीज है। इसमें आपको जो बैटरी मिलती है वो मिलती है 125 mAh की, तो जो टॉक टाइम रहेगा वो रहेगा 6 घंटे का और प्लेबैक भी यहाँ पर कुछ 6 घंटे आपको दिया गया है। चार्जिंग टाइम रहेगा 1.5 आवर्स का और इसमें आपको माइक्रो यूएसबी दिया गया है चार्जिंग के लिए। तो ये तो इसके फीचर्स हैं। अब जल्दी से ये जो बॉक्स है इसे ओपन कर लेते हैं और देखते हैं हमारे नेक बैंड। और इस प्राइस पॉइंट पे यार आपको एक ब्रांडेड नेक बैंड मिल रहे हैं वायरलेस, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो जल्दी से अब ये जो नेक बैंड है इसके बॉक्स से बाहर निकाल लेते हैं और इसको मैं एक बार साइड में रखता हूँ। जो क्वालिटी लग रही है मुझे काफ़ी सही लग रही है, लेकिन इसको डिटेल में देखेंगे। उसके अलावा बॉक्स में आपको यहाँ पर एक माइक्रो यूएसबी चार्जिंग केबल दी गई है चार्जिंग के लिए, और यहाँ पर दो एक्स्ट्रा ईयर टिप्स भी दिए गए हैं जिसको आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बॉक्स में आपको एक यूज़र मैनुअल भी दिया गया है, तो जितनी भी फंक्शनैलिटीज़ वगैरह रहेंगी आपको यहाँ पर पता लग जाएंगी। तो ये तो थे यार बॉक्स कंटेंट। अब आ जाते हैं हमारे नेक बैंड की तरफ। और यार सबसे पहले तो यार मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है इसके प्राइस पॉइंट के हिसाब से मुझे यार ये काफ़ी इंप्रेसिव लगी। ऐसा लग नहीं रहा है कि ये इसका जो प्राइस है 499 रुपये के आसपास है। और सबसे पहले तो अगर मैं यहाँ पर नेक बैंड ही आपको दिखाऊँ, तो ये जो नेक बैंड है यहाँ पर ये फ्लेक्सिबल नेक बैंड है, फ्लैट टाइप का यहाँ पर डिज़ाइन है, तो अगर आप इसको अपने नेक के अराउंड पहनते हैं तो काफी कंफर्टेबल रहने वाले हैं। उसके अलावा जैसे लेफ्ट साइड में आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको पीट्रॉन की ब्रांडिंग दी गई है। उसके बाद यहाँ पर राइट साइड में आपको यहाँ पर कुछ कंट्रोल्स वगैरह दिए गए हैं जिससे आप अपना म्यूजिक कंट्रोल कर सकते हैं, वॉल्यूम है उसे घटा बढ़ा सकते हैं, कॉल कनेक्ट या डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आपको यहाँ पर एक चार्जिंग पोर्ट दिया गया है और ये माइक्रो यूएसबी चार्जिंग पोर्ट है, तो इसके थ्रू आप इसको चार्ज कर पाएंगे। और जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसमें आपको 125 mAh की बैटरी मिलती है, 6 घंटे का आपको प्लेबैक टाइम मिल जाएगा और 1.5 आवर्स में ये फुल चार्ज हो जाते हैं। तो नेक बैंड की जो यार क्वालिटी है, बिल्ड क्वालिटी मुझे काफ़ी सही लगी। यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे खासे कंट्रोल्स मिल जाते हैं। उसके बाद आते हैं हम अपने ईयरबड्स की तरफ। तो सबसे पहले अगर मैं वायर की बात करूँ, तो वायर भी आपको यहाँ पर फ्लैट वायर मिलती है, तो यहाँ पर टैंगल फ्री वायर रहेगी। उसके अलावा ये जो ईयरबड्स हैं ये मैग्नेटिक ईयरबड्स हैं, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और ये जो ईयरबड्स हैं इनकी भी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी खासी है, यहाँ पर आपको मेटल के ईयरबड्स दिए गए हैं। तो ओवरऑल मुझे यार इनकी जो बिल्ड क्वालिटी है काफ़ी सही लगी। अब मैं यहाँ पर अगर इन ईयरबड्स की अगर स्पेसिफिकेशन की बात करूँ, तो इसमें आपको 10 mm का ड्राइवर दिया गया है, इन ईयर टाइप के डिज़ाइन है। तो ओवरऑल यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी और जो मैं अगर फीचर्स की बात करूँ जिस प्राइस पॉइंट पे आ रहे हैं, मैं यार काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हुआ, मुझे काफ़ी अच्छे लगे। तो अब मैं ये जो टेंजेंट लाइट है इन्हें अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद इसकी जो फंक्शनलिटीज़ है चेक करेंगे और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा जो इसकी साउंड क्वालिटी है वो कैसी है। तो नेक बैंड को अपने फ़ोन के साथ पेयर करने के लिए आपको अपने फ़ोन में ब्लूटूथ ऑन करना है, उसके बाद ये जो बीच वाला बटन है इसे थोड़ी देर होल्ड करके रखना है और यहाँ पर आपको जो ये LED लाइट है दिख जाएगी, थोड़ी देर बाद ये ब्लिंक होनी शुरू होगी तो ये पेयरिंग मोड पर आ जाएगा और उसके बाद ये जो आपके फ़ोन में टेंजेंट लाइट है ये शो होने शुरू हो जाएंगे और आप इस पर क्लिक कर दीजिए और ये जो नेक बैंड है आपके फ़ोन के साथ पेयर हो जाएंगे। तो गाइस नेक बैंड हमारे फोन के साथ तो पेयर हो गए हैं, अब एक बार जो इसकी फंक्शनलिटीज़ है उसे भी चेक कर लेते हैं। तो म्यूजिक प्ले पॉज करने के लिए जो बीच वाला बटन है उसे एक बार आपको प्रेस करना होगा, तो यहाँ पर जो म्यूजिक है प्ले हो रहा था वो पॉज हो गया है, वापस से मैं प्रेस करता हूँ तो ये प्ले हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको यहाँ पर नेक्स्ट सॉन्ग पे जाना है, तो जो प्लस वाला बटन है उसे थोड़ी देर होल्ड करके रखना है, तो यहाँ पर नेक्स्ट सॉन्ग पे चला गया है, और वापस से अगर आपको प्रीवियस सॉन्ग पे जाना है तो माइनस वाला बटन है उसे होल्ड करके रखेंगे तो ये प्रीवियस सॉन्ग पे चला जाता है। उसके बाद वॉल्यूम घटाने बढ़ाने के लिए आपको प्लस माइनस का बटन है उसे यूज़ करना होगा। उसके बाद सीरी या फिर गूगल असिस्टेंट को आपको अगर एक्सेस करना है, तो बीच वाला जो बटन है उसे होल्ड करके रखना है और आप जो सीरी या फिर गूगल असिस्टेंट है उसे एक्सेस कर पाएंगे। तो फंक्शनलिटीज़ हैं यहाँ पर काफ़ी अच्छे से काम कर रही हैं और जो बटन भी हैं वो भी काफ़ी क्लिकी हैं। अब एक बार जो इसका साउंड टेस्ट है वो कर लेते हैं। मैं थोड़ी देर इस पर म्यूजिक सुनूंगा, वीडियोस भी देखूंगा, कॉल वगैरह लूंगा और उसके बाद बताऊंगा यहाँ पर आपको जो साउंड क्वालिटी है वो कैसी मिलती है। तो गाइस फाइनली काफ़ी देर तक इन ईयरफोन्स को टेस्ट करने के बाद मैंने इस पर थोड़ी देर म्यूजिक भी सुना है, वीडियोज़ भी देखी है और साथ में कुछ कॉल्स वगैरह भी ली है। तो सबसे पहले तो अगर मैं इसके कम्फर्ट लेवल की बात करूँ, तो इन ईयरफोन्स का जो डिज़ाइन है, जिस तरह का ये नेक बैंड का डिज़ाइन है, तो काफ़ी कम्फर्टेबल है नेक के अराउंड, मुझे यहाँ पर काफ़ी सही लगे। लाइट वेट
ईयरबड भी है। और मैं यहाँ पर अगर ईयरबड्स की बात करूँ तो लगाने के बाद ये जो ईयरबड्स में आपको जो पैसिव नॉइस कैंसिलेशन है वो काफी अच्छी खासी मिल जाती है, तो मुझे इनका जो कंफर्ट लेवल है वो काफी सही लगा। उसके बाद यहाँ पर आपको मैग्नेटिक ईयरबड्स दिए गए हैं, तो नेक के अराउंड अगर आप पहनते हैं तो ये जो मैग्नेटिक ईयरबड्स हैं मुझे लगता है काफी यूजफुल हैं। और अब मैं अगर बात करूं इनकी साउंड क्वालिटी की, तो एक चीज आपको ध्यान रखनी होगी कि इसका जो प्राइस है वो सिर्फ 499 रुपए है। तो अगर आप इसको कंपेयर करेंगे किसी 2000-2500 रुपए वाले नेक बैंड से तो वो मेरे को लगता है कि सही नहीं होगा। मैं खुद यार इतना ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इन ईयरफोन से, लेकिन स्टिल मैं बोलूंगा कि इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से इनकी जो साउंड क्वालिटी है वो काफी डिसेंट है। आप अगर कैजुअल म्यूजिक वगैरह सुनते हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको काफी अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिलेगा। तो सबसे पहले अगर मैं बेस से शुरू करूं तो इन ईयरफोन में आपको हल्का फुल्का बेस दिया गया है, इतना ज्यादा कुछ बूमी बेस नहीं है, लेकिन स्टिल यहाँ पर इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से मुझे लगता है कि यहाँ पर जो बेस है वो काफी अच्छा खासा है। मुझे नहीं लगता आप कंप्लेन करेंगे कि 499 रुपए में आपको इस तरह की साउंड क्वालिटी मिल रही है। काफी सही है, काफी अच्छी खासी है, और काफी अच्छे से अगर आप कैजुअल म्यूजिक वगैरह सुनते हैं तो आप सुन सकते हैं। उसके बाद मैंने इन ईयरफोन्स में थोड़ी देर वीडियोज वगैरह भी देखी है और वहां पर मुझे ऐसा कोई लैग देखने को नहीं मिला है। तो अगर आप ये नेक बैंड ले रहे हैं मूवीज वगैरह देखने के लिए तो यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। उसके बाद मैंने इन ईयरफोन्स में थोड़ी देर कॉल वगैरह भी ली है और कॉल क्वालिटी भी मैं बोलूंगा कि काफी डिसेंट है। यहाँ पर जो माइक की क्वालिटी है मैं बोलूंगा कि काफी अच्छी खासी है। अगर आप कॉलिंग के लिए इन ईयरफोन्स को लेना चाह रहे हैं तो आप इनको ले सकते हैं। तो ओवरऑल इस नेक बैंड की जो बिल्ड क्वालिटी है, फंक्शनैलिटीज है या फिर साउंड क्वालिटी भी इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से मुझे लगता है कि काफी डिसेंट है। और अगर आपको ये जो नेक बैंड है खरीदने होंगे, मैं इसका लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। साथ में आपको हमारे चैनल पसंद आए, आप चाहते हैं मैं इस तरह की और वीडियोस लेके आऊं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं इसी तरह की एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, और मैं अमन आपको मिलूंगा अगली बार।